हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहां पे आज एक बार फिर से हम टेस्ट करने वाले हैं कि क्या आपके पास बड़ा दिमाग है। तो इफ यू गाइस आर रेडी, लेट्स स्टार्ट। मुंबई शहर में 3 ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था। मेहुल उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल को देख ज़ॉम्बीज मेहुल के पीछे लग जाते हैं। मेहुल तेजी से आगे भागता है तो उसे 3 रास्ते दिखते हैं। पहले रास्ते में पेट्रोल पड़ा हुआ है, दूसरे रास्ते में जंगली स्नेक्स है और तीसरे रास्ते में आग है। सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगा मेहुल ज़ॉम्बीज से बचने के लिए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ओके, देखिए, ज़ॉम्बीज पीछे पड़े हैं, पहली सड़क पे पेट्रोल पड़ा है, एंड पेट्रोल में क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है भाई? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन टेकिंग द सड़क जिसपे पेट्रोल है, क्या तकलीफ है इनको? पर वो पेट्रोल पे फिसल सकता है, ऐसा लॉजिक बना सकते हैं हमारे माइंड योर लॉजिक वाले भाई, माई फेवरेट यूट्यूब चैनल, ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। हाँ, समय कह रहा था कि पेट्रोल पे वो बोल सकते हैं कि वो फिसल जाएगा, आग में तो वो डेफिनेटली जली जाएगा। अब बचा सांप वाला रास्ता, और यहाँ पर एक लकड़ी का पीस पड़ा हुआ है सामने वाली सड़क पे, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा लॉजिक बना सकते हैं भाई हमारे कि वो लकड़ी का पीस के अगर वो सांप को ऐसे पुश 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 करके मार देगा तो सांप भाग जाएंगे और फिर वो उस सड़क से निकल जाएगा। तो आई थिंक इसका आंसर मेरे को लग रहा है कि बी होने वाला है। आई होप बी होगा, बिकॉज ये लकड़ी का पीस जो है ना, इससे यही समझ आ रहा है मेरे को, वरना नॉर्मली तो बंदा पेट्रोल वाली सड़क से निकल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जंगली स्नेक्स वाला रास्ता ले नहीं सकता, इससे मेहुल कैसे बचेगा? ज़ॉम्बीज़ को आग से डर लगता है, लेकिन मेहुल आग को कैसे क्रॉस करेगा? मेहुल ने नीचे पड़ी हुई लकड़ी उठाई और उसमें आग लगा लिया, फिर पेट्रोल वाला रास्ता क्रॉस करके उसमें आग लगा दी। आग देख ज़ॉम्बीज़ वहीं खड़े रह गए और मेहुल ज़ॉम्बीज़ से बच गया, लेकिन आग बुझते ही ज़ॉम्बीज़ मेहुल के पीछे वापस लग गए। मेहुल तेजी से देखो, वो लकड़ी वाला लॉजिक तो मेरा ठीक था, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई इस सड़क से आग उठा के उस सड़क पे आग लगाई भी जा सकती है। अब मैं समझ गया, अब मैं ये समझ चुका हूँ कि ये कौन से लेवल पे वीडियो में थिंकिंग चलने वाली है। तो इसके बाद मेरा कोई आंसर गलत नहीं होने वाला, देख लेना तुम। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये दौड़ता है तो उसे एक स्कूल दिखता है, तो वो उसके अंदर स्कूल में गया और ज़ॉम्बीज़ को चकमा दे देता है। उसे स्कूल में जगह जगह स्केलेटन्स दिख रहे थे, तभी अचानक एक स्केलेटन उठ जाता है और मेहुल की तरफ आगे आने लगता है। मेहुल को आसपास में 3 चीजें दिखती है, एक चेयर, एक पानी से भरी हुई बाल्टी और एक माचिस का डब्बा। क्या यूज कर सकता है मेहुल स्केलेटन से लड़ने के लिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। स्केलेटन आ रहा है मेहुल की तरफ, तो अब मेहुल स्केलेटन को कैसे डरा सकता है? चेयर, मैच स्टिक या फिर पानी की बाल्टी? मैच स्टिक तो इसका आंसर अब नहीं होगा, क्योंकि पिछले वाले का आंसर आग ही था। उस लॉजिक से मैं मैच स्टिक को तो डिस्कार्ड कर रहा हूँ। देखो, मैं बहुत जीनियस लेवल का क्विजर हूँ। ठीक है, समझ गया। अब बचा चेयर या फिर पानी। चेयर से क्या फायदा होगा? चेयर पे ऊपर चढ़ जाएगा मेहुल अगर, तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन पानी से, अगर वो स्केलेटन के ऊपर पानी फेंक देगा या फिर उसके सामने जमीन पे पानी फेंक देगा, तो वो फिसल जाएगा स्केलेटन। तो इसका आंसर आई थिंक पानी की बाल्टी है, बिकॉज देयर इज नो रीजन, कोई रीजन नहीं है, बस बिना बात के पानी की बाल्टी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी से मेहुल कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था पानी की बाल्टी, तो मैंने जैसे बोला कि नहीं होने वाला इसका आंसर, तो आई थिंक इसका आंसर चेयर है। तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। स्केलेटन को माचिस से भी आग नहीं लग पाएगी, चेयर यूज करना ही सही रहेगा। मेहुल चेयर उठाता है और जोरों से स्केलेटन पे मारता है, तो स्केलेटन बिल्कुल, देखा मैंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आई टोल्ड यू इसका आंसर चेयर। रूम में जंगली झाड़ उगने लगते हैं और मेहुल को जकड़ लेते हैं। मेहुल के हाथ हथकड़ी जैसे उन झाड़ों से बंध जाते हैं। मेहुल वहां से भागता है तो उसे 3 रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता नोकीले कैक्टस का है, काफी नोकीले कैक्टस है ये, जो कोई भी चीज को आर पार कर सकते हैं। दूसरा रास्ता जंगली लायन का है, वहाँ लायन की शक्ल देखना, ये जंगली लग रहा है तुम्हें भाई सब, कितनी आंखें देखो उसकी, प्यार से पुकार रही है मुझे, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। लायन उसे कच्चा चबा जाएगा। और तीसरे रास्ते में बदबूदार पेड़ है जिनकी स्मेल सहना मुश्किल है। कौन सा रास्ता चुनेगा मेहुल? सोचिए और आपका आंसर कमेंट। पहले तो ये शेर कम डॉगी ज्यादा लग रहा है, जैसे वो अपनी पूंछ हिला रहा है, और इसका आंसर फॉर श्योर कैक्टस है, क्योंकि उसके हाथ में जो झाड़ जो है वो अटक गई है, उसको वो कैक्टस की नोकीली चीजों से काट सकता है, जैसे कि भाई साहब ने बोला है कि वो किसी भी चीज को कट कर सकते हैं। तो आई थिंक इसका आंसर तो कैक्टस ही है। अगर अब ये भी गलत है तो मारो मुझे। कैक्टस फॉर श्योर हैज टू बी पहला रास्ता, प्लीज भाई अब ये मत बोल दो।
मेहुल ने पहले नोकीले कैक्टस से अपने हाथों के पेड़ों को काट लिया। हाँ ठीक है, अब आगे मैं बताता हूँ क्या होगा। फिर पहले वाले में शेर है, तीसरे वाले में पेड़ ही तो है। शेर वाले से तो वो नहीं जा सकता ना, नाक बंद करके पेड़ वाले रास्ते से निकल जा। इजी छे। फिर तीसरा रास्ता लिया, बदबू से मारेगी नहीं, थोड़ा सांस रोक के मेहुल वहाँ से निकल जाए। यस, ऐसे स्कूल में रहने से बेटर है स्कूल से बाहर निकल जाए। मेरे सारे आंसर सही है, मेरे अब तक के सारे आंसर सही है, एक भी गलत नहीं हुआ है। मुबारक हो। मेहुल स्कूल से बाहर निकल जाता है तो उसे तीनों ज़ॉम्बीज़ वापस मिल जाते हैं। वो मेहुल का पीछा करने लगते हैं। मेहुल ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ आगे बढ़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ॉम्बीज़ से कैसे लड़ा जाए। तभी रास्ते में मेहुल को एक साधु बाबा मिलते हैं। वो मेहुल को बताते हैं कि ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए उसे जादुई बैट लगेगा। लेकिन मेहुल सोच में पड़ जाता है, ये बैट उसे मिलेगा कहाँ। तो साधु महाराज उसे एक पहेली पूछते हैं। बताओ मेहुल, फूल भी हूँ फल भी हूँ और हूँ मैं मिठाई, तो बताओ क्या मैं हूँ। मेहुल सोच में पड़ जाता है, क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब। फूल भी हूँ फल भी हूँ और हूँ मैं मिठाई, तो बताओ क्या हूँ मैं भाई। फूल और फल, गुलाब, गुलाब जामुन। वो एक गुलाब फूल भी होता है, जामुन फल होता है और गुलाब जामुन मिठाई है। ब्रदर, हैज टू बी गुलाब जामुन। मेहुल इसका जवाब दे देता है, गुलाब जामुन। तो साधु मेहुल को एक बच्चा निकालता है। सारे जवाब सही है मेरे अभी तक सारे। मेहुल को एक नक्शा निकाल के देता है और कहता है, इस मैप के क्लूज को समझो, ये मैप तुम्हें जादुई बैट तक पहुंचा देगा। क्या आप इस मैप के इन क्लूज को देख के बता सकते हैं? मैप मेहुल को कौन से बॉक्स तक लेके जाएगा जहां मेहुल को जादुई बैट मिलेगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। जादुई बैट, स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट ट्री, S3W2S1W3N2W2N2। खाली है वे। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट ट्री हो गया ये। S3 साउथ की तरफ 3, 1, 2, 3। वेस्ट की तरफ 2, 1, 2। साउथ की तरफ 1, 1। वेस्ट की तरफ 3, 1, 2, 3। फिर नॉर्थ की तरफ 2, 1, 2। फिर वेस्ट की तरफ 2, 1, 2। और फिर नॉर्थ की तरफ 2, 1, 2। हाँ क्या 12वें ब्लॉक पे, 12 पे मिलेगा उसको बैट। 12 प्लेस। सबसे पहले लिखा हुआ है बड़े ट्री से स्टार्ट करो, तो हम वहां से शुरुआत करेंगे। पहला है S3, मतलब साउथ में 3 कदम नीचे जाना है, फिर वेस्ट में 2, फिर साउथ में 1, वेस्ट में 3, नॉर्थ में 2, वेस्ट में 2 और फिर नॉर्थ में 2, तो मेहुल बैट तक पहुंच जाता है। Let's go! नंबर 12। I am so pro man! सारे सही है मेरे अभी तक, सारे सही, एक भी गलत नहीं हुआ है। मेहुल 0, ट्रिगर्ड इंसान 100। मेहुल बैट उठाता है और उस बैट की मदद से ज़ॉम्बीज को क्या मार बात देता जी? है। मेहुल की बहादुरी के लिए वीडियो को एक लाइक तो सही बात है भाई, जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए अगली पहली। लेट्स गो। रमा रास्ते से जा रही थी, तभी कोई पीछे से आया और उसे जोरों से धक्का दिया। रमा गिर गई। उसने रमा का बैग उठाया और वहां से भागने लगा। रमा जोरों से चिल्लाने लगी। पास ही में डिटेक्टिव मेहुल खड़ा था, वो वहां पहुंच गया और उसका पीछा करने लगा। अच्छा ठीक है। वो एक कैफे के अंदर घुस गया। मेहुल भी उसके पीछे पीछे कैफे के अंदर चला गया। कैफे में घुसते से मेहुल को रमा का पर्स मिल जाता है, लेकिन वो कौन था जो पर्स लेके भागा था? कैफे में 4 लोग हैं। क्या आप चारों को देख के बता सकते हैं वो कौन होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चारो को सिर्फ देख के कैसे कोई बता सकता है कि उसका पर्स लेके कौन भागा होगा? ये लड़की क्योंकि ये चेयर में सही से नहीं बैठी हुई, ऐसा रीजन तो नहीं होना चाहिए वैसे। ये बंदा, ये देखो, ये किताब उल्टी पकड़ी हुई है इसने। 4, 4, ये एक्टिंग कर रहा है। नंबर 4, बुक उल्टी है उसकी। लेट्स गो, एक और सही जवाब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जिसका पीछा कर रहा था उसने पैंट्स पहने हुए थे, ये फीमेल ने प्रॉपर ड्रेस पहनी हुई है, तो ये तो नहीं है। इस आदमी की कॉफी ठंडी हो गई है, मतलब ये काफी टाइम से यहाँ पे है। अब बचे हैं 2 लोग। इसकी कॉफी गर्म है, हो सकता है ये अभी आया हो, लेकिन इस आदमी ने बुक उल्टी पकड़ी हुई है। ऐसा कैसे? 7 करोड़ रुपए जीत चुका हूँ मैं। आई एम सो स्मार्ट, एक भी गलत नहीं दिया अभी तक। समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली। चलिए। रोहन, सोहन, राहुल और राम चारों रूममेट्स है। चारों की घर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोहन सबके लिए खाना बनाता है, सोहन सबके कपड़े धोता और सुखाता है, राहुल मार्केट से किराना लाता है और राम घर की साफ सफाई करता है। एक दिन राहुल मार्केट गया था और वहां उसका मर्डर हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है।
वो राहुल को ट्रैक करता हुआ उसके घर तक भी पहुंच जाता है, समझ गया। और उसके रूममेट्स को बताता है कि राहुल की डेथ हो गई है। तीनों घबरा जाते हैं। रोहन कहता है, सर मैं तो सबके लिए खाना बना रहा था, ये देखिए मैंने टेबल पे सबके लिए खाना अरेंज भी करके रखा हुआ है। सोहन कहता है, सर मैं तो सबके कपड़े वॉश कर रहा था, ये देखिए सबके कपड़े सूख रहे हैं। राम कहता है, सर मैं तो साफ सफाई कर रहा था, ये देखिए पीछे कितना गंदा पड़ा हुआ है। मेहुल तीनों की बातें सुन समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने खून किया है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। नहीं, आप समय तो चाहिए ही नहीं है, ऐसे ही बता दूंगा मैं। इस बंदे का मर्डर हुआ, ये बाजार से सामान लेने गया था, ये बंदा खाना बनाता है, ये बंदा कपड़े धोता है, ये बंदा सफाई करता है। ये बंदे ने खाने की प्लेट रखी हुई है तीन, जबकि लोग थे चार। पॉइंट नंबर वन, कि सिर्फ तीन प्लेट्स क्यों? क्योंकि इसको पता था कि इसने एक का मर्डर कर दिया है। और ये बंदे अगर कपड़े सुखाता है तो यहाँ पे पांच शर्टें क्यों हैं? बंदे तो ये चार थे, पर ज्यादा तो हो सकता है, और इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो कूड़ा ही साफ किया है। तो ये वाला बंदा जो है, ये वाला बंदा पोटेंशियल मर्डरर है, क्योंकि इस बंदे ने ऑलरेडी तीन प्लेट्स लगा रखी है, क्योंकि इसको पता था कि इसने एक का तो मर्डर कर ही दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, एक और सही जवाब। और अब पता क्या होगा, मेरी इतनी ब्रिलियंस देख के कोई ना कोई कमेंट में लिखेगा, पहले ही वीडियो देख रखी होगी, पहले ही आंसर पता होंगे। तो मैं जो समझना है समझ लो, अगर मैंने ये वीडियो पहले ही देख रखी होती तो स्टार्टिंग के चार आंसर मेरे गलत नहीं होते, ठीक है। मैंने रैंडमली भाई सर्च करा रिडल्स, जो वीडियो आई सबसे ऊपर वो स्टार्ट कर दिया है। बाकी तुम्हारी जो मर्जी है, मैं हर किसी को हर चीज प्रूफ तो नहीं कर सकता। जितने लोग उतने मुंह उतनी बातें हैं। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। लिए इसका आंसर देखते हैं। खून रोहन ने किया है, उसे नहीं पता था कि राहुल की डेथ हो गई है, फिर उसने तीन लोगों का खाना exactly. बनाया और टेबल पे तीन लोगों के लिए ही प्लेट क्यों लगाई। उसे पता था कि राहुल वापस नहीं आने वाला है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वैसे तो ये लॉजिक ठीक है जो भी इन्होंने बनाया है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस बंदे का व्रत तो वो कह रहा है, भाई मैंने अपनी बंदी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, मेरे को नहीं खाना था खाना, तो मैंने बाकी तीनों के लिए बनाया। ये भी तो हो सकता है। कुछ भी। चोर पीछे से आता है और सना का बैग छीन के भाग जाता है। सना उसका चेहरा नहीं देख पाता। पास में डिटेक्टिव मेहुल समझ गया है। वो सना से मिलता है। सना बताती है कि उसके बैग में बहुत सारा कैश था और उसने कुछ फूल लिए थे, वो रखे हुए। अच्छा ठीक है। मेहुल उसके बताए हुए डायरेक्शन में जाता है तो उसे एक कॉर्नर में सना का वॉलेट मिल जाता है। समझ गया। वो वॉलेट खोल के देखता है तो वॉलेट खाली रहता है। अच्छा ठीक है। समझ जाता है। मेहुल को उसी कॉर्नर में तीन बैगर्स दिखते हैं। मेहुल समझ जाता है शायद इन तीनों में से ही एक होगा। मेहुल तीनों के पास जाता है और तीनों को ध्यान से देखता है। क्या आप देख के बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है? समझ गया, ये व्हीलचेयर वाला है, क्योंकि पीछे इसके जूते पड़े हुए हैं। नहीं बट जो लाइक जूते तो पहन ही सकता है, फिर भी ये बंदे ने तो कटोरी पकड़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बंदा तो ऐसे ही बैठा हुआ है। बी लग रहा है, क्योंकि भाग के भी यही बंदा गया था, मतलब जब वो क्लिप दिखाई गई थी तो रेड टी शर्ट में ही था जो भाग के गया था। और लॉजिक इसका मेरे ख्याल से यही बनाएगा कि पीछे इसके जूते पड़े हुए हैं जिनमें फूल लगे हुए हैं। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। फूल जब वो भाग के गया था चोर जो भी था, ओ ये देखो उसके पर्स में फूल थे। गाड़ी फूल थे उसके पर्स में एंड पीछे उसके जूतों में वही वाले फूल लग रखे हैं। अब मेरी ब्रिलियंस देख के फिर कोई बोलेगा और पहले से पटा होंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा बैगर व्हीलचेयर पे है, लेकिन उसके व्हीलचेयर के नीचे शूज रखे हुए हैं और थोड़े गंदे हैं, मतलब ही अभी अभी यूज हुए हैं। अब व्हीलचेयर वाले को शू के क्या नीड और शू गंदे? देखो भाई, व्हीलचेयर वाला बंदा जूते पहनते हैं भाई, क्यों नहीं पहनते? ये लॉजिक तो बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन उस पे वही फूल लगे हुए हैं और मिट्टी लगी हुई है, मतलब ये भाग क्या है, वो लॉजिक सही है। शू के ऊपर देखिए फूल भी पड़े हुए हैं जो सना के बैग से मिसिंग है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि यही चोर होगा और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रात होते ही एक चोर मॉल में घुस जाता है और मॉल से कुछ सामान चुरा लेता है। क्या आप पहले की और बाद की फोटोज को देख के बता सकते हैं चोर ने क्या क्या चुराया है और कितनी चीजें चुराई है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। एक ये वाला डब्बा चुराया है वन, और ऊपर में तो कुछ नहीं चुराया। सेकंड रो में इधर कुछ नहीं चुराया। थर्ड रो में इसमें कुछ नहीं चुराया। फोर्थ रो में इसमें नहीं। फिफ्थ में इसमें भी नहीं। इस वाले में भी कुछ नहीं लग रहा। 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 और इस वाले में भी कुछ नहीं लग रहा। बस एक डब्बा चुराया यहाँ से, मतलब मेरी तो आंखें इससे ज्यादा कुछ देख ही नहीं पा रही है। बस एक ये वाला डब्बा चुराया, दैट्स इट।
That's it. चोर ने टोटल 5 चीजें चुराई है। पहला, ये बॉक्स मिसिंग है। दूसरा, ये ग्रीन बॉटल मिसिंग है। तीसरा, ये बॉटल मिसिंग है। चौथा, ये केचप का बॉटल मिसिंग है। और पांचवा, ये मिल्क बॉटल। अरे ये भी मिसिंग है भाई, ये तो आपने देखा ही नहीं। ये भी मिसिंग है और भाई वो भी मिसिंग है। टोटल 50 चीजें चुराई हैं, वो आपको दिख नहीं रही है। ये बोल बोल के भाई ने पता नहीं कहाँ कहाँ सर्कल मार दिए हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है किसी को? यहाँ और यहाँ में डिफरेंस कैसे देख सकता है कोई एक बारी में? ये और ये वाला तो चल फिर समझ आता है, ये वाला डिफरेंस भी कैसे दिख रहा है? ये और ये तो दिख ही नहीं रहा है, ये इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस भी नहीं है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बेड ए की पेशेंट 3 साल से हॉस्पिटल में ही भर्ती है। बेड बी की पेशेंट 5 साल में हॉस्पिटल से भर्ती है। और बेड सी की पेशेंट कोरोना के वजह से अभी अभी हॉस्पिटल में नहीं है। ये तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए ये बच्चे की माँ कौन होगी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बी, क्योंकि बी वाली के बाल और इस बच्चे के बाल सेम है। बी, और क्या लॉजिक हो सकता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चे को देख के ऐसा लगता है कि वो 6 महीने से 1 साल के बीच में होगा। अब पहली दोनों औरतें तो 3 और 5 साल से हॉस्पिटल में हैं, तो ये तो माँ हो नहीं सकती, तो बच्चे की मासी होगी। गाइस मैं यही तो बोल रहा था, बच्चे की मासी है। यस यस, एक और सही जवाब। 7 करोड़ इन टोटल हमने जीत लिया है यहाँ पे। केबीसी का अल्टीमेट स्टूडेंट हूँ मैं। एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड माय ब्रिलियंस। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।